तीनच मॅच राहिले दादा, यानंतर करल आणि कोणाचं बोलून ठेव ना। चला विशाल स्मृती करल टीम सर्व टीम घेऊन स्टेज जवळ या। ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य हमारे बितू शेठ पाटिल आयोजित प्रतियोगिता दोस्तों हम देख रहे हैं। आज दूसरा दिन, कल खास तौर पर जबरदस्त मैचेस हमें देखने को मिले। वरद विनायक भवाली टीम जिन्होंने टॉप फोर में जगह बनाने वाला पहला टीम बनता हुआ, और आज दूसरी टीम कौन सी होगी उसके लिए अपर जीत के लिए जद्दोजहद चलता हुआ। बॉल्स बॉक्स ओले गांव के रन मशीन और क्रिकेट की दुनिया के एक जबरदस्त खिलाड़ी में से एक प्रमोद दा घरत, उनका हम स्वागत करते हैं। वेलकम प्रमोद दा, रन मशीन ऑफ ओले क्रिकेट, स्टार क्रिकेटर पनवेल रायगढ़ क्षेत्र के और हरफन मौला खिलाड़ियों में से एक हमारे प्रमोद दा घरत मिस्टर कूल। प्लस पे बनाम नावड़े की टीम के बीच मुकाबला, तीन ओवर का मैच है। सुबह से एक बार भी बारिश नजर नहीं आई है और वही बात चल रही। प्रकाश दादा जो कहा था कि अगर संडे तक ये खिलाड़ी जिन्होंने कारनामा किया, डॉट बॉल के साथ शुरुआत नॉन स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं कप्तान टीम के स्वप्निल। प्लस पे टीम पहले बैटिंग कर रहे तीन ओवर के इस मैच में। लोअर फुल टॉस बॉल गाइड किया गया इनको शॉर्ट फाइल लेग रीजन में और लालचंद सर का इशारा था एक रन निकला। बीमर वेस्ट हाई के ऊपर बॉल और कहीं ना कहीं अंपायर ने इशारा किया इसे प्लस वन के साथ। दो एक्स्ट्राज, एक बैट से रन और एक एक्स्ट्रा रन पकड़ के दो रन ऐड किए जाएंगे। कोहली टीम पहली टीम अब तक कह सकते हैं कि 31 रन उन्होंने बनाए और इस राउंड में भी जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर होगा उनको अगले राउंड में बाय मिलेगा। 10 पर कोहली की तरफ से आपका स्वागत है। लेफ्ट आर्म ओवर संदेश, बॉलर बैक टू ड्राइव, डॉट बॉल। पहला ओवर अब तक अच्छा घटा है तीन ओवर के मैच में। पहले बैटिंग कर रहे हैं प्लस पे टीम और जितने अच्छे स्टार्ट की एक्सपेक्टेशन उम्मीद जताई थी पूरी खिलाड़ियों ने अब तक वैसा देखने को मिला नहीं है। संदेश ने पूरी तरह बांध के रखा पहले ओवर में और अब तक एक्स्ट्रा खर्च करके भी चार रन दिए। ओवर पिच बॉल था लेकिन स्लोअर वन और रन आउट की अपील, कहीं ना कहीं देखना है यहाँ पर क्या पॉपिंग क्रीज के बाहर पैर था। जी नहीं, अंपायर का कहना बैट्समैन आउट। अच्छा टर्न हुआ हल्का सा बॉल वहां पर संदेश का, कटर्स का इस्तेमाल किया उन्होंने, आप देख सकते हैं हल्का सा फिंगर रोल और जिसकी वजह से उनको मदद मिला विकेट से। विकेट जब कंक्रीट का विकेट जब सूखा रहता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आप जो फिंगर रोल करते उसमें आपको थोड़ा सा सफलता मिलता है। नाराज अपने आप से स्वप्निल और पहला झटका लगता हुआ कप्तान के रूप में टीम प्लस पे को तीन ओवर के इस मुकाबले में। नए बैट्समैन गए नंबर तीन पे बैटिंग करने, नाम इनका किरण है और टीम के लिए भी रन बनाने होंगे अब यहां से। स्वप्निल आउट हुए, संदेश का अच्छी शुरुआत देते हुए एज अ बॉलर। नावड़े टीम पहले मैच में जबरदस्त प्रदर्शन। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, सामने किरण कॉट बिहाइंड एक और विकेट। कमाल की आग भरी गेंदबाजी, कैसे थे यहां पर आग उगलने वाली गेंदबाजी चलती हुई मैदान के अंदर संदेश के द्वारा। पहले ही ओवर में दो खिलाड़ियों को अब तक पीछे डगआउट की तरफ भेज चुके हैं और एक ओवर का खेल पूरा हुआ। एक इकोनॉमिकल एक बेहतरीन स्पेल डाला है
तीन ओवर के इस मैच में। अगर तीन ओवर के मैच में पहले ओवर में आपके गेंदबाज ने अगर आपकी टीम को अगर दो विकेट दिलाया तो कहीं ना कहीं कह सकते कि एक लाजवाब स्टार्ट शुरुआत, और पहले ओवर में रन आए सिर्फ चार। नंबर चार पर अब जयेश गए, साहिल खानोकर अब गए बॉलिंग मार्क पर ओवर नंबर दो में। रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे, पहले ओवर में आए सिर्फ चार रन। ऑफिशियल अंपायर हमारे दिखते आप मिलौली गांव के द्वारकानाथ जी चोरगिया सर खासतौर पर, वागलीवाड़ा के हमारे लालचंद गांव सर। ओवर पिच बॉल स्ट्रेट ड्राइव सीधे बैट से किया है, अलोंग द कार्पेट गेंद गई है सीधा लॉन्ग ऑन रीजन पर। राहुल बैकर के बैट से सिंगल आता हुआ, रनों के लिए जद्दोजहद कर रही है पूरी तरह पलस पे टीम, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक आ जाता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लौट जाएगा, आत्मविश्वास फिर कहीं ना कहीं बैटिंग टीम के अंदर होगा, और उसकी आवश्यकता है फिलहाल क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ चार रन बने थे। परफेक्ट यॉर्कर बिल्कुल जड़ में, अक्रॉस द बैट खेलने के चक्कर में यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉट कर बैठे, बाई के मात्र एक्स्ट्रा एक रन मिले, यानी अभी भी बैट से रन नहीं आए, एक्स्ट्रा एक रन कहीं ना कहीं बाई के जरिए गए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है छह पर। पहले ओवर में भी चार रन संदेश के द्वारा, दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी साहिल द्वारा, थोड़ा सा सफल हुए थे यहाँ पर गेंद को आने दिया और कहीं ना कहीं उसके बाद ये फ्लिक किया गेंद को, रिस्ट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है लॉन्ग लेग रीजन में जहां पर डिक्लेयर जोन है, मात्र एक रन। प्रमोद दादा में बताते हुए स्कोर जा पहुंचा है सात पर, सेवन रन ऑन बोर्ड। तीन ओवर का मैच, कोहली टीम का अब तक सर्वाधिक स्कोर है इस राउंड में 31। ये अच्छा स्ट्रोक कनेक्शन अच्छा हुआ, टाइमिंग कैसी है, फ्लैट शॉट सीधा हाथ पे, ऑजी स्टाइल में कैच पकड़ा गया। जिस प्रकार कंगारू के खिलाड़ी यहां पर ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स कैचेस पकड़ते हैं मिड विकेट रीजन में, एक अच्छा कैच वहां पर, एक और झटका लगता हुआ पलस पे टीम अब संकट में। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से, जिस हिसाब से यहाँ पर बैक ऑफ द लेंथ बॉल बैक फुट पे जाकर पुल करने का प्रयास और सीधा मिड विकेट के फील्डर के हाथ में गेंद पहुंचा है, विकेट गिरता हुआ इस बीच। ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य हमारे लाडले युवा नेतृत्व मिथुन शेठ पाटिल आयोजित प्रतियोगिता, और खास तौर पर दोस्तों देखे तो यहाँ पर इस प्रतियोगिता के माध्यम से कई भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। कैलाशवासी जनार्दन पाटिल, कैलाशवासी तुलसीराम पवार, कैलाशवासी प्रदीप पवार, कैलाशवासी यादव शेठ पाटिल, कैलाशवासी चांगा पाटिल, कैलाशवासी नितिन नाइक, कैलाशवासी रानेश पाटिल, कैलाशवासी जनाभाई अनंता पाटिल, कैलाशवासी फसीभाई लक्ष्मण पाटिल, ये हमारे सभी करीबी परिवार जो आज खास तो हमारे बीच नहीं है, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। स्मरणार्थ आयोजित टूर्नामेंट, प्रथम पारितोषिक 30,000 यानी चैंपियन टीम होगी जो संडे के दिन 30,000, रनर अप टीम के लिए 15,000, तीसरे क्रमांक पर जो टीम होगी और चौथे क्रमांक पर जो टीम होगी उनको 7,500 रुपए का इनाम यहाँ पर। लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाफ स्ट्रोक था आयुष से, थोड़ी सी मिसफील्ड फंबल हुए और नतीजा दो रन। अभय के बैट से आता हुआ ये दो रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 पर। एक और सफल ओवर यहाँ पर नावड़े टीम के नजरिए से, साहिल खानोकर के ओवर में भी किफायती गेंदबाजी रही है, मात्र 5 रन दिए साहिल ने दो ओवर के बाद बैटिंग करते हुए। पलस पे टीम का स्कोर है 9 दो ओवर में, भले ही आपने कम स्कोर खड़ा किया, यहां से अगर पॉजिटिव सोच लेकर चले तो कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में अगर 15 से 20 रन बना लेती है पलस पे टीम तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा उनकी इस मैच में वापसी पूरी तरह हो जाएगी, क्योंकि तीन ओवर में 30 से 35 रन चेज होना इतना आसान नहीं है। सनी खानोकर अब आए बॉलिंग मार्क पर, पिछले मैच में जिनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था, स्लोवर वन के साथ शुरुआत की है, भले ही आगे लेंथ रखी लेकिन गति में थोड़ा सा चेंज ऑफ द पेस, अच्छी शुरुआत। पिछले मैच के अगर इनके स्पेल की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 रन देकर रेटिंग करें तो टारगेट अच्छा होना चाहिए। धीमी बॉल थी जरूर, यहाँ पर स्क्वायर कट किया है, बॉल जाता हुआ बैकवर्ड पॉइंट रीजन में, हो फुटबॉल खेला है भाई, पैरों से गेंद को स्टॉप किया और कहीं ना कहीं यहां से भले 3 रन मिल जाएंगे लेकिन 1 रन बचाया फील्डर ने। चलिए
अब फील्डर ये सोच रहा है इससे अच्छा तो मैं बाउंड्री छोड़ दिया होता, वो परवर जाता, क्योंकि इतनी आपने माथा पट्टी की और फिर भी चार रन गए। चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फाइनली जा पहुंचा है 14 रन 14 पर। अबे ऑन स्ट्राइक है। अगली गेंद राइट अप राउंड, ये अच्छा शॉट, चाबुक स्ट्रोक बैट से छपरा स्क्वायर लेग के ऊपर से आता हुआ हवाई हल्ला, बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत थी और कहीं ना कहीं अभय के बैट से आया वो स्ट्रोक है। ये नाम इनका अभय जरूर है लेकिन हल्का सा कहीं ना कहीं गेंदबाज के मन में भय लाया इन्होंने और इसे के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर। प्लस पे टीम कह रही है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्या बची हुई गेंदों पर यहां से एक और बड़ा स्ट्रोक ला पाएंगे अभय। चार गेंदे अब तक देखा जाए तो हुआ है, दो गेंदे बाकी है, स्कोर हो चुका है 20, 10-15 रन और जोड़ने यहां से। स्लोअर ऑन बॉल था, पुल जरूर किया, गैप में शॉट है क्या, दो की कॉल होगी, स्ट्राइक रखना चाहेंगे अपने पास हल्की सी मिसफील्ड, स्ट्राइक मिल जाएगा आसानी से, स्ट्राइक चाहिए था अभय को और स्ट्राइक मिल गया है। ओवर थ्रो का भी रन खराब, यहां पर फील्डिंग नावड़े टीम, ऐसा लग रहा आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना इस मैच में से कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन धैर्य थोड़ा खोती हुई नजर आ रही है। वो बाउंड्री का जो चार रन, इसके बाद ये मिसफील्ड कहीं ना कहीं आपको ये मैच से दूर न ले चला जाए। फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 23-23। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा दो ओवर में सिर्फ 9 रन थे और आखिरी ओवर की आखिरी एक बॉल बाकी है और प्लस पे टीम ने मेहनत करते हुए 23 रन बना लिया है। तारीफ करने की यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की, जयेश और अभय। ब्लॉक में गेंद डाला जरूर था यहाँ पर, लॉफ्टेड कवर ड्राइव इनसाइड आउट, गेंद जाता हुआ यहाँ पर स्वीपर कवर रीजन में, दो की कॉल और देखिए एक बार फिर हाथ में बॉल नहीं आया, 2 रन। तो टोटल स्कोर हो चुका है 25, यानी आखिरी ओवर में टोटल रन आए हैं 16 और इसी के साथ कहीं ना कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट प्लस पे के सभी खिलाड़ियों के ऊपर, उनको पता है इस मैच में आप पूरी तरह लड़ाई लड़ सकते हैं क्योंकि 3 ओवर में अगर आपने 25 रन बना लिया है और 26 का टारगेट अगर आपने सामने वाली टीम को दी है तो कहीं ना कहीं आपके जबरदस्त वापसी हुई इस मैच में। 26 का टारगेट 3 ओवर के इस मुकाबले में और देखना है किस प्रकार अब नावड़ी टीम इसको चेस करेंगे। इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करने में काफी कड़ी मेहनत की गई है, खासतौर पर मैं नाम लेना चाहूंगा अमर दादा पवार, गोविंद जी पाटिल, राम दादा पवार, प्रकाश जुगे दादा, हमारे खासतौर पर विघ्नेश जी पवार, अमोल पाटिल, श्री गणेश कोपर टीम और हमारे खासतौर पर कोली कोपर ग्रामस्थ, उन सभी का यहाँ पर विशेष योगदान उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, हमारे श्री गणेश कोपर के सभी खिलाड़ी खासतौर पर गोविंदा पाटिल, इन्होंने भी काफी कड़ी मेहनत की और पहले खिलाड़ी है कोहली कोपर के जिन्होंने बाइक जीता था। पनवेल रायगढ़ क्रिकेट के इतिहास की बात की जाए कोहली क्रिकेट की तो 26 का टारगेट इस मैच में। नावड़े टीम उनको पता है कि यह आंकड़ा कम हो सकता था लेकिन मिस फील्डिंग हुई, उसको पीछे पलट करना, देखे पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पर स्कोर चेज होगा और सबसे बड़ा यहाँ पर निगाह होगा यहाँ पर खासतौर पर महेश मात्रे के ऊपर जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट मैच में बैटिंग की थी, काबिलियत तारीफ बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिला है। 26 का टारगेट है विशाल स्मृति कोरल टीम, आपको स्टेज की तरफ आ रहा है, पहले राउंड में सेकेंड राउंड में जिस टीम को बाय मिला था। चले प्रमोद दादा एक और जानकारी दे रहे कि 31 रन कोहली टीम का स्कोर था, यानी इस हिसाब से ये लग रहा है कि अगले राउंड में बाय उनको ही मिलने वाला है, यानी आखिरी मैच खेलेंगे आज के दिन का कोहली टीम। गुरु ग्राम पंचायत सदस्य आयोजित प्रतियोगिता युवा नेतृत्व, हमारे मिथुन शेठ पाटिल आयोजित प्रतियोगिता। दोस्तों अब तक इस टूर्नामेंट में दो कारनामे देखने को मिले, आज खासतौर पर देखने को मिला यहाँ पर हैट्रिक और मेडन ओवर डाला, एक ही ओवर में हैट्रिक भी लिया और मेडन ओवर डालने वाले राहुल भयकर आप देख सकते हैं। और कल के दिन यहाँ पर बारिश तो देखने को नहीं मिली थी लेकिन रनों की अगर बारिश इसे ने की तो ओले गांव के रन मशीन और पनवेल रायगढ़ क्षेत्र के मशहूर और सुप्रसिद्ध खिलाड़ी जो हमारे बगल में फिलहाल बैठे हुए प्रमोद दादा घर, जिन्होंने कमाल की बैटिंग की और पहला 50 उनके बैट से आया यहां पर इस टूर्नामेंट में।
14 गेंदे और 50 रनों का एक ताबड़तोड़ पारी जिनके माध्यम से देखने को मिला। और अब तक हाई स्कोर अगर किसी के नाम है तो प्रमोद जी गलत उनके नाम है, 14 balls 50 का यहाँ पर एक जबरदस्त पारी खेली गई। और धन्यवाद अमरदत्त पवार जिन्होंने जानकारी दी है। चला बॉलर का नाम संगा प्लीज, वरद। यस, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग इन्होंने की थी और वही कॉन्फिडेंस लेकर उतरेंगे एक बार फिर प्लस के प्लस पे टीम के लिए। स्ट्राइक है साहिल खानोकर के पास, नॉन स्ट्राइक पर महेश। पहली बॉल बैट्समैन के स्टांस को रीड किया, देखा लेग स्टंप के बाहर थोड़ा सा उनका शफल है, बॉडी है और कहीं ना कहीं वहां पर ही पिचिंग कराकर गेंद को काटा बदलते हुए ऑफ स्टंप के बाहर लेकर गए हैं। ये अच्छी शुरुआत, अच्छी सोच प्लस पे टीम द्वारा। देखिए यही हुआ, आखिरी ओवर में 16 रन आते ही यहाँ पर एक अलग ऊर्जा आ गई सभी खिलाड़ियों के अंदर प्लस पे के। उनको पता है इस मैच में उनका जबरदस्त वापसी हो चुका है, 16 रन आखिरी ओवर में बनाए बैट्समैनों ने अभय और जयेश ने मिलकर। हाफ ब्रेकर बॉल पुल कर दिया है और कहीं ना कहीं गेंद को भी गुल कर दिया है इन्होंने मैदान के बाहर। इस बार बॉल सीमा पार, 6 रन। साहिल खानोकर के बैट से आता हुआ ये सिक्सर, हौसला बुलंद है और जज्बा इस खिलाड़ी के अंदर तो काबिलियत तारीफ है। मैच को पलटना जानते हैं और रन चेज में सामने वाली टीम के पेस को फेस करना जानते हैं साहिल खानोकर, ये खासियत है इस युवा यंगस्टर के पास। बहरहाल स्कोर की बात करें तो 6-7 अकाउंट ओपन होता हुआ, रनों का शुभारंभ कर दिया यहां पर नावडे टीम ने भी इस रन चेज में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल सामने की तरफ लॉफ्ट किया है, अच्छी फील्डिंग, ऑलमोस्ट कैच पकड़ लिया था लेकिन हाथ से छिटकने के बाद गेंद थोड़ा सा दूर गिरा उनसे और इस दरमियान 1 रन कंप्लीट। साहिल वहां पर खड़े थे। 3 गेंदों का खेल हुआ है, टारगेट है 26 रनों का, फिलहाल स्कोर हुआ है 7 रन। 3 गेंदों अब तक फेस की साहिल ने और 7 पर बैटिंग कर रहे हैं। अब पहली मर्तबा महेश स्ट्राइक पर है, महेश मात्रे बताने की जरूरत नहीं, पिछले मैच में इन्होंने जबरदस्त बैटिंग की थी, 27 रनों का एक अफलातून पारी खेलकर पेश किया था अपने टीम के लिए। अच्छा कटर डाला इस बार, गेंद बिल्कुल गुड लेंथ पे पड़ने के बाद काटा बदलते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गया, लेफ्ट आर्म द्वारा राइट हैंडर के लिए कैसे थे लेग कटर डाला गया था। अच्छा फिंगर रोल किया वहां पर वरद ने, 4 गेंदे अब तक डाल चुके, 7 रन खर्चे वापसी करते हुए अपनी टीम प्लस पे के द्वारा। अगली बॉल 5वीं गेंद, फुल टॉस बॉल था इस बार, रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल किया, गेंद को ढकेला गैप में, गेंद जाता हुआ यहाँ पर अलोंग द कार्पेट डीप विकेट रीजन में, अच्छी फील्डिंग प्लस पे टीम द्वारा, मात्र 1 रन मिलेंगे वहां पर। कुल मिलाकर अब तक 5 गेंदों का खेल हुआ है इस पहले ओवर में, सेकेंड इनिंग की बात करें तो 26 का टारगेट यहाँ पर नावडे टीम के लिए मिला है और अब तक जवाब में टीम ने रन बनाए टोटल 8। सबसे खास बात यह कि विकेट एक भी नहीं गवाया है। आखिरी बॉल क्या जाते जाते इस एक बॉल पर अपने स्पेल को कंप्लीट करते हुए एक विकेट लेकर जाएंगे यहां से वरद। बड़ा स्ट्रोक, स्टैंडर्ड डिलीवर, बैट के बीचों बीच संपर्क हुआ है, साहिल इनका नाम है और कहीं ना कहीं रन चेज में अपनी टीम को कहीं ना कहीं मुश्किल परिस्थितियों को फेस कराना जानते हैं। लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्सर, जीत के करीब पहुंचती हुई टीम अब यहां से नावड़े टीम। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 14, यानी 12 रन चाहिए 12 गेंदों में, रन इन बॉल अब इक्वेशन है यहां पर, 12 गेंदे 12 की आवश्यकता। क्या कड़क बैटिंग की है, अंडर प्रेशर जबरदस्त खेल करते हुए यहां पर साहिल। कोहली टीम को ढेर सारी बधाइयां यहां पर, कैलाशवासी नितिन स्मृति कोहली टीम जिनको बाय मिला है इस राउंड में और आखिरी मैच यानी 9th मैच आज के दिन का खेलेंगे वो। एक बार अगर जिस टीम को बाय मिल गया तो अगले राउंड में आपको खेलना ही है। करल टीम अब नेक्स्ट मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, फिलहाल 12 गेंदे 12 की आवश्यकता, 12 गेंदे 12 की आवश्यकता। राहुल भाई अब आए बॉलिंग मार्ग पर, पहली बॉल पुल किया, फील्डर है वहां पर तैनात किया गया, जयेश की अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल, क्या यहां से चमत्कार कर पाएंगे यहां पर राहुल, नमस्कार होगा अगर ऐसा कारनामा करते क्योंकि मैजिकल स्पेल ही चाहिए, 12 गेंदे 12 की आवश्यकता तो एक अच्छा ओवर चाहिए यहां से प्लस पे को।
बैट के नीचे बॉल जरूर था, सीधे बैट से खेलते तो शायद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा शॉट आ सकता था, लेकिन आड़े बैट से मिड विकेट पर सिक्सर लगाने के चक्कर में डॉट कर बैठे महेश मात्रे, और लगातार दो गेंदे अब तक डॉट हुआ है। अच्छी बॉलिंग राहुल के द्वारा, एक और डॉट बॉल, लगातार तीसरी बिंदी गेंद, और ऐसे ही एक अच्छे ओवर की आवश्यकता थी यहां पर पलस पे टीम को। लास्ट मैच में भी यही कारनामा किया था, मेडन ओवर डाला था इन्होंने। तीन गेंदे क्या और अच्छी निकाल पाएंगे यहां से, निगाहें अब राहुल बैकर के ऊपर है। ये थोड़ी सी खराब गेंद, कमेंटेटर कर्ज, हल्की सी तारीफ, उसके बाद लेग स्टंप के बाहर ये वाइड। पहला रन आता हुआ एक्स्ट्रास के जरिए इस ओवर में, अब यहां से 11 रनों की आवश्यकता है टोटल, बची हुई गेंदें शेष यहां से टोटल 9। 11 रनों की आवश्यकता। ये अच्छा शॉट, महेश को उनके स्लॉट में गेंद का इंतजार था और यही बॉल मिला उनको सीधा मैदान के बाहर। दबाव बन रहा था लेकिन उसके बाद कहा कि महेश मात्रे मेरा नाम है, दबाव में मैं बिखरता नहीं निखरता हूं, वही देखने को मिलता हुआ यहां पर। अब इक्वेशन 8 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन, 5 की आवश्यकता क्योंकि 11 चाहिए था, सिक्सर आया है, 5 रन चाहिए यहां से। अब मैच फिनिश, मुकाबले को जीत लिया एक बार फिर नावड़े टीम ने, और इस मैच के हीरो ठहरते हुए दो खिलाड़ी जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, महेश मात्रे और साहिल कानोकर, आप देख सकते हैं जबरदस्त प्रदर्शन। और मैन ऑफ द मैच प्रमोद दादा में बताते हुए यहां पर जिन्होंने ऑलराउंडर जबरदस्त प्रदर्शन किया है, साहिल कानोकर ठहरते हुए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी इस मैच के। पिट्ठल वाड़ी गांव के हमारे बीच आप देखते हैं पर आदरणीय सचिन दादा गायकवाड़ उपस्थित हुए, उनका हम विशेष सम्मान करेंगे। राम दादा पवार, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने शुभ हाथों से यहां पर उनका विशेष सम्मान करना है। हमारी 24 लाइव इवेंट टीम से रिक्वेस्ट है, कैमरामैन प्लीज इस मोमेंट को कैप्चर करना है, मेहमान आए हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर।